हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हनी स्वीटी एंड हेल्थ। एज यू नो मैं हूँ हनी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पैर और हाथों को साथ ही कैसे साफ़ करना। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हम नॉर्मली पैर और हाथों को अच्छे से ज़्यादा सॉफ्ट करना है, ज़्यादा मुलायम करना है तो इसके लिए हम पार्लर जाके पेडिक्योर और मैनीक्योर करवाते हैं। वो तो ज़्यादा हाई प्राइस में रहता है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ नेचुरल तरीके से घर पे ही बैठे बैठे आसानी से अपना हाथ और पैरों को सारे कालेपन डस्ट गंदगी को दूर करके पैरों को सॉफ्ट और हाथों को मुलायम और कोमल बनाने का एक आसान नुस्खे इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। क्योंकि साथ में दिवाली भी आने वाली है, ये नुस्खा फेस्टिवल टाइम के लिए हो, पार्टी या फंक्शन कभी भी हो ट्राई कर सकते हो। आपको अमेजिंग रिजल्ट देती है और इंस्टेंटली भी रिजल्ट आपको इससे मिल जाती है। सो अगर आपको भी अपना हाथ और पैरों को खूबसूरत बनाना चाहती हो, हाथ और पैरों का रंग को निकाल लेके आना है तो ज़रूर इस वीडियो को चेकआउट कीजिए। 100% रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। और वीडियो को देखने के पहले आपको भी कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो है तो वीडियो को नीचे आप कमेंट कर सकती हो। आपके कमेंट पढ़ के मैं 2 से 3 दिन के अंदर आपका रिक्वेस्टेड वीडियो बना सकती हूँ और मैं वीडियो के अंदर आपका नाम भी मेंशन करती हूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को हमेशा फॉलोअप कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती है। तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। पैर और हाथों को साफ करने के लिए सबसे पहले एक क्लीन कटोरी में हमें ऐड करना है 1 चम्मच कॉर्न फ्लोर। इसके बाद इसमें हमें ऐड करना है 1 चम्मच बेसन का आटा। क्योंकि कॉर्न फ्लोर अपना स्किन के ऊपर अनवांटेड हेयर को रिमूव करता है और स्किन के ऊपर छोटे मोटे दाने हैं तो उसको भी हटाता है, इसलिए मैं कॉर्न फ्लोर ले रही हूँ। कॉर्न फ्लोर से छोटे छोटे बाल स्किन के ऊपर निकल जाता है और हाथ और पैर भी साफ़ दिखता है, इसलिए मैं कॉर्न फ्लोर ले रही हूँ। इसके बाद इसमें मैं बेसन का आटा अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, इससे अपना स्किन टोन भी बढ़ता है, इसलिए मैं बेसन का आटा ले रही हूँ। इससे दो चीज़ें, स्किन टोन इम्प्रूव होगा, हाथ और पैरों का कालापन जो है वो जल्दी जल्दी साफ़ होता है, इसलिए मैं कॉर्न फ्लोर भी ले चुकी हूँ। अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर नहीं है तो इसकी जगह आप मैदा का आटा भी इस्तेमाल कर सकती हो, उससे भी पैर और हाथ अच्छी तरह साफ़ होंगे और डेड स्किन सेल्स भी निकल जाता है। अगर आपके क्रैकड हील्स का प्रॉब्लम है तो कॉर्न फ्लोर का पैक आप क्रैकड हील्स के ऊपर इस्तेमाल करने से अपना क्रैकड हील्स का प्रॉब्लम दूर होगा और स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव होता है, इसलिए मैं एक कॉर्न फ्लोर ले चुकी हूँ। अब ये 2 पाउडर्स को अच्छे से मिला लेना चाहिए। इसके बाद इसमें हमें लेना है एक नींबू को आधा कट करना है, नींबू का रस ऐड करना चाहिए। आधा कटा हुआ नींबू का रस ऐड करना है क्योंकि नींबू में हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी रहता है, इससे अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा और स्किन टोन भी बढ़ता है और अपना हाथ और पैरों का कालापन अच्छी तरह निकलना है तो नींबू का रस कंपलसरी ऐड करना है, इसलिए मैं नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। इससे अपना स्किन टोन भी बढ़ता है। अगर आपका स्किन के ऊपर, हाथ और पैरों के ऊपर कालापन है तो उसको भी हटाते हैं ये नींबू। इसके बाद इसमें हमें ऐड करना है दही ऐड करके ये फाइन पेस्ट जैसा मिक्स कर लेना चाहिए। दही में लैक्टिक एसिड रहता है, ये अपना स्किन को अच्छी तरह मॉइस्चराइज करता है, अपना हाथ और पैरों को कालापन को हटा के अपना हाथ और पैरों को गोरा और मुलायम बना देती है। अगर आपका स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, एक्ने है तो उसको भी हटाती है ये पैक। ये 100% नेचुरल रेमेडी है। इससे आप पैर और हाथों के ऊपर लगाने से अपना पैर और हाथ बहुत साफ़ होता है और अपना पैरों और हाथों को ऊपर गोरेपन को बढ़ाना है तो इसको कंपलसरी इस्तेमाल करना है। इससे 100% रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। अब मैं हाथों के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। आप हाथ और पैर बहुत दोनों के ऊपर अप्लाई कीजिए। आप इसको मास्क जैसा अप्लाई कर सकते हो। बस ये पैक अपना पैरों को, हाथों को पेडिक्योर मैनीक्योर इफेक्ट देती हैं। इससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे और अपना स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी बढ़ेगा। अगर आपके हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर ज़्यादा ही कालापन है, धूप की वजह से टैन पकड़ने से भी वो टैन को भी निकाल देती हैं इस पैक। और इस 100% नेचुरल रेमेडी है। इससे अपना स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी अच्छी तरह निकालता है और हाथ और पैरों के ऊपर कालापन भी निकल जाता है। और काफ़ी सारे लोगों को क्रैकड हील्स का प्रॉब्लम होता है तो आप इस पैक में
अगर आपको क्रैकर हील्स का प्रॉब्लम है तो आप इस पैक में आप नींबू का रस स्क्वीज करने के बाद आप इसी नींबू को लेके पैरों के ऊपर अच्छे से अप्लाई करते हुए स्क्रब कीजिए। ऐसा करने से स्किन के पैरों के ऊपर आसपास का कालेपन दूर होगा, क्रैकड हील्स भी इंस्टेंटली रिमूव होंगे और अपना पैर भी बहुत सॉफ्ट और मुलायम दिखता है। अगर आप इसको पैरों के ऊपर अप्लाई करना है तो आप इस नींबू को पैरों के ऊपर अप्लाई करके मसाज कीजिए, रब कीजिए सर्कुलर मोशन में। ऐसे करने से पैरों के ऊपर डेड स्किन सेल्स हो, टैन हो, डस्ट हो, सब कुछ निकल जाएंगे और पैर बहुत सॉफ्ट और मुलायम दिखता है। आपको सेम पार्लर जैसे पेडिक्यूर इफेक्ट आपको मिलता है घर पे बैठे बैठे इस तरह आप करने से। ये पैक बच्चे बड़े और मेल फीमेल कोई भी ट्राई कर सकती है क्योंकि ये नेचुरल है, इसे साइड इफेक्ट नुकसान कुछ नहीं है, इससे 100% रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। इस तरह इस पैक को रब मत कीजिए, डायरेक्टली अप्लाई करना चाहिए हाथ और पैरों के ऊपर। अगर आप पैरों के ऊपर है तो आप रब कर सकती हो, हाथों के ऊपर है तो ऐसे ही पैक जैसे अप्लाई कीजिए। ऐसा अप्लाई करने के बाद आप इसको सूखने तक छोड़ दीजिए। जब ये सूख जाएगा आप हल्का सा अपना स्किन को गीला करके सर्कुलर मोशन में रब करते वक्त वॉश कीजिए नॉर्मल पानी से। याद रखिए साबुन और बॉडी वॉश यूज़ मत कीजिए, काले नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए। ऐसे करने से स्किन टोन इम्प्रूव होगा और इंस्टेंटली पैर और सॉफ्ट मुलायम और एंगर दिखता है। अभी मैं ड्राई होने के बाद इसको वॉश करके आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। इस तरह आप ड्राई होने के बाद वॉश कीजिए, अपना पैर और हाथ बहुत साफ़ हो जाएंगे। आप चाहिए तो एक कॉफ़ी आवर के बाद और बॉडी वॉश यानी कि साबुन से अपना हाथ और पैरों को वॉश कर सकती हो, लेकिन याद रखिए आप ये अप्लाई करके वॉश करने के बाद एक आधे घंटे तक यूज़ कुछ मत कीजिए, ताकि वो बॉडी लोशन हो या बॉडी वॉश हो कुछ भी हो, क्योंकि ये जो भी इफ़ेक्ट है दही, इसमें मैं दही भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ, ये दही अपना स्किन को अच्छी तरह मॉइस्चराइज करता है, इसकी वजह से नेचुरली अपना स्किन को मॉइस्चराइज मिलता है। तो इसके लिए आप दोबारा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, या बॉडी को फिर स्किन को हाथ और पैरों को साबुन से वॉश करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसलिए आप इसको नॉर्मल पानी से वॉश करने के बाद ड्राई टॉवल से पोंछ लीजिए, अपने हाथ और पैर बहुत साफ दिखता है। इस नुस्खे को आप जब चाहिए जब ट्राई कर सकती हो, पर्टिकुलर नहीं है, हफ्ते में 2 से 3 बार आपको जब टाइम मिलता है जब ट्राई कीजिए। अपना पैर और हाथ बहुत हाइजीनिक रहेंगे और साथ ही गोरे और मुलायम दिखता है। सो ये था पैर और हाथों को साफ करने का तरीका। इस तरह आप घर पे ट्राई कीजिए, आपको 100% विजिबल डिफरेंस दिखेंगे। अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, कमेंट है, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसके आंसर मैं जरूर दूंगी। फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ, और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए।